मैं हूं सिद्रा महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 3 आरोपियों के खिलाफ घर में घुसकर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया है। एक आरोपी का मोबाइल भी भागते समय गिर गया था, जो पुलिस को सौंपा है। साथ ही जाति सूचक गालियां देते हुए भाग जाने की बात कही गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना अलाऊ क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने थाना अलाऊ में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। जितना कहा गया है कि 22 जून 2021 की रात सभी लोग सो रहे थे। सभी गांव चांदा निवासी सहवीर यादव और प्रशांत यादव मेरे घर में घुस आए तथा मेरी पुत्री के साथ अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ करने लगे। पुत्री के शोर मचाने पर हम लोग जाग गए। हम लोगों के चिल्लाने पर दोनों जाति सूचक गालियां देते हुए भाग गए। हम लोग दरवाजा खोलकर बाहर आए तो गांव मानकपुर निवासी सौरभ यादव भी वहीं खड़ा था। वो भी भाग गया तथा मेरे जानवरों की नाद में एक मोबाइल पड़ा मिला, जिसमें कई नंबर फीड है, जो सौरभ का बताया जा रहा है। महिला का कहना है कि आरोपी रिपोर्ट न करने की धमकी भी देकर भागे थे। थाना अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके से मिले मोबाइल की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट अतुल यादव, मैनपुरी।